हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडव कुमार राज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ती और गरीबों की आवाज़ पे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को कर देना लाइक, कमेंट, शेयर और ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन दबा लेना है। जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा। चलिए, भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज से अगवानी जाने की वाली जो है पुल तैयार है। पुल तैयार होने से पहले ही ध्वस्त हो गया और जिसका लागत 1700 करोड़ से भी ज़्यादा है, समझे? तो आप बताइए, भ्रष्टाचार ही नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? भ्रष्ट इंजीनियर और भ्रष्ट राजनेता का शिकार जो है ऐसे ऐसे पुल, ऐसे ऐसे जो है प्लेटफॉर्म, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है जगह है शिकार होते जा रहा है। तो बताइए, और इसका अगर कोई विखंडन करता है, मतलब उजागर करता है, तो उसको जो है सरकार जो है क्या नहीं करवाता है? तो चलिए, आपको वीडियो दिखा रहे हैं और आप भी देख करके हमें बताइएगा कि वीडियो जो है देखने के बाद क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। एक बात और बता देते हैं आपको, ये अच्छा हुआ जो अभी निर्माण होने से पहले ही, उद्घाटन होने से पहले गिर गया, ध्वस्त हो गया और जो है इंजीनियर, भ्रष्ट इंजीनियर नेताओं का शिकार हो गया। वरना जानते हैं, अगर ये तैयार होकर गिरता तो आज लाखों करोड़ों का जो है ना लोगों का नुकसान होता, गाड़ियों का नुकसान होता, समझे? कितने घर भी घर हो जाते हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो सरकार क्या करेगा? सरकार तो खुद जो है भ्रष्ट हो चुकी है। तो जितने भी इंजीनियर हैं, सभी डिपार्टमेंट में जितने भी हैं, आप सभी से निवेदन है कि भ्रष्ट मत बनिए, सही कीजिए और हर चीज़ में सही निर्माण कीजिए। और राजनेता आप लोग भी सुधर जाइए, भ्रष्टाचार कम कीजिए, बहुत कर लिए हैं, बहुत करते हैं। चलिए, आप तो देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार का शिकार होते हुए ये जो है पुल जिसका लागत 1700 करोड़ से भी ज़्यादा है, ये पुल आपको देख रहे हैं नदी में किस तरह से विसर्जन हो रहा है। तो यानी कि 1700 करोड़ का विसर्जन यूं ही चुटकी में किया जा रहा है। तो देख लिए किस तरह से भ्रष्ट का शिकार हो गया है पुल। ये पुल गंगा नदी पर जो है भागलपुर में सुल्तानगंज से अगवानी तक के लिए बनाया जा रहा था, और ये जो है भ्रष्टाचार का शिकार किस तरह से हो गया है, यूं ही पल भर में ही 1700 करोड़ से भी ज़्यादा पानी में डूब गया। और देखिए भयानक कितना जो है लाट पुल गिरने से वो उत्पन्न हुआ। तो इसमें शामिल जितने भी भ्रष्ट इंजीनियर जी हैं, भ्रष्ट नेता जी हैं, भ्रष्ट जो है लीडर हैं, भ्रष्ट जो चाटुकार हैं, मुझे तो जी कहने में भी शर्म लगता है, फिर भी चलिए कह देते हैं, उन सभी को बीच चौराहे पर चप्पल जूता के माला के साथ पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो बताइए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप हमें कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो क्षमा चाहता हूँ ये शब्द उपयोग करने के लिए सभी राजनेताओं से भी। देखिए किस तरह से लहर जो है किनारे तक आया है। तो जितने भी भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट जो भी हैं, सब सुधर जाइए। काहे बिहार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। बिहार से कभी कभी शर्म भी लगती है नाम से, तो बिहार से कभी कभी गर्व भी होता है। आप तो दोनों काम में जो है निपुण हो रहे हैं, तो बिहार कहने से गर्व होना चाहिए, ना कि किसी को शर्म होना चाहिए। और हमारे भ्रष्ट इंजीनियर के कारण ये सब हो रहा है, शर्म की बात। धन्यवाद।